नमस्कार एनबीटी में आपका स्वागत है। मैं हूं सनोज गौतम। आज आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया हूं स्पेशल प्रोग्राम पर्दे के पीछे। आज का जो हमारा मुद्दा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ बड़ों के लिए ही जानना जरूरी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो बच्चे हैं, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो सभी को इस प्रोग्राम को देखना चाहिए। ये प्रोग्राम है एनईपी 2020 के बारे में। दैट मींस कि ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली जो चेंज होने वाली है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिनके ऊपर लगातार चर्चा हो रही है, सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हो, चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी हो। तो आज इस मसले को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में देश के जाने माने पैनलिस्ट, एनालिस्ट और बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट एके मिश्रा मौजूद हैं। एके मिश्रा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी अपनी बात में कोई शुगर कोटिंग नहीं कहते हैं, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे वो आपको सिर्फ अपनी बात कहते हैं और बहुत डीप उसको एनालाइज करते हैं। एके मिश्रा जी आज हमारे साथ रहेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है एके मिश्रा जी। थैंक यू सनोज, आपका भी और आपके दर्शकों का भी जो आपके प्रोग्राम को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। जी धन्यवाद। तो एके मिश्रा जी, मेरा जो पहला सवाल है बहुत सिंपल है, आप थोड़ा हमें ये बताइए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, अब इसके बारे में बहुत सारे लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें क्या नया है, क्या इसमें बदलाव है। देश में तकरीबन 32 से 35 साल बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी को लेके आया जा रहा है। सरकार तकरीबन पिछले 5-6 साल से इस पर काम कर रही थी, ये सरकार के मैनिफेस्टो में भी था। तो सरकार जैसे अपना वादा पूरा कर रही है, तो आपको क्या लगता है आप इसको 10 में से कितने मार्क्स देंगे और आपके हिसाब से ये कितना सफल होने वाला है आने वाले समय में? देखिए, अगर 10 में से मार्क मुझे देना हो तो इनिशियल लेवल पे मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 4-5 या जस्ट बोलिए पासिंग मार्क मैं दूंगा। अच्छा सनोज, आप हमेशा मुझसे सवाल पूछते हैं, आज मैं आपसे और खुद से, जब ये सेशन आपने डिसाइड किया था तो ठीक यही सवाल मैंने अपने आप से खुद से पूछा और सारे हिंदुस्तानियों से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये देखिए, मुगलों के इंट्रोडक्शन के पहले, मतलब 11वीं शताब्दी के आसपास उनका माना जाता है, उसके पहले तक आप देखिए, मुगलों के बाद अंग्रेज, डच वगैरह ये सब आए। हम बात करते हैं 11वीं शताब्दी तक का जो भारत था, भारत में एक से बढ़ के एक साइंटिस्ट, वारामीर, भास्कराचार्य, सुश्रुत, जिनको फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है, साउथ में नागार्जुन जो एक बहुत बड़े केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट थे, रसायन शास्त्री थे, उनको बोला जाता था कि पारा से जो है सोना बनाने की पद्धति जो है उन्होंने खोजी थी या उनको आता था, एक से बढ़ के एक आयुर्वेदाचार्य, हेल्थ से रिलेटेड टैलेंट, और आप ये देखिए मतलब वेद, व्याकरण, हर तरीके के ज्ञान के बहुत बड़े जो है टैलेंटेड पर्सन यहाँ होते थे, साइंटिस्ट होते थे। अगर वो देखा जाए शायद जितने नोबेल प्राइज हैं सब इंडिया को मिलना चाहिए अगर उस टाइम को लिया जाए। एक ऐसा क्या हो गया कि इंडिया बेहतरीन नौकर, क्लर्क और बाबू तो पैदा कर रहा है लेकिन अन्वेषक नहीं पैदा कर रहा है, इनोवेटर नहीं पैदा कर रहा है, उस तरीके के साइंटिस्ट नहीं पैदा कर रहा है। तो ये जो मुद्दा है, देखिए मैं इस पे जो चेंज हुआ है, नया इकोनॉमिक पॉलिसी आया है, ये इसमें अभी इसको मैच्योर होने में, इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, लेकिन प्रिंसिपल बेस्ड अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। और ये इंपॉर्टेंट चेंज कब हुआ मैं आपको बताऊं, मैकाले के बाद ये पहली बार चेंज हुआ है जिसका कि हम सबको बहुत दिनों से इंतजार था। अब थोड़ा इतिहास में जाइए, भारत सबसे ज्यादा शिक्षित था। सबसे ज्यादा शिक्षित का मतलब ये है हर जाति के, हर वर्ग के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे सब हाईली टैलेंटेड थे। कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि केवल सवर्ण ही शिक्षित होते थे, ऐसा नहीं है, जो बहुत सारे ऋषि मुनि थे, फॉर एग्जाम्पल सुश्रुत, जिनको फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है, वो बाई कास्ट, कास्ट के हिसाब से वो कुम्हार थे, वो कोई ब्राह्मण या सवर्ण नहीं थे, लेकिन वो मतलब उन्होंने पूरी सर्जरी की खोज की पूरी दुनिया में, इतने बड़े वो वैज्ञानिक थे। तो सवाल ये है कि शिक्षा पद्धति के लिए जो माहौल होना चाहिए था वो भारत में सबसे बढ़िया माहौल था 11वीं शताब्दी तक, एक से बढ़ के एक विद्वान उस शिक्षा पद्धति ने दिए। बीच में मैकाले आए, मैकाले और मुस्लिम कल्चर के जो इन्वेजन हुआ, जो एक इंट्रोडक्शन हुआ इन सब चीजों का, मैकाले ने तो चोट ही पूरी यहाँ की शिक्षा पद्धति पे की। और उसके बाद खैर जो आज की डेट में शिक्षा पद्धति है वो ग्लोबल सिस्टम का एक हिस्सा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ग्लोबल सिस्टम हो वही एक बेहतरीन सिस्टम हो।
हमारे लिए तो बेहतरीन सिस्टम वो है जब वाराहमिहिर, भास्कराचार्य और सुश्रुत और नागार्जुन जैसे साइंटिस्ट जो सिस्टम पैदा कर दे। अब आगे सुनिए इसके बाद की कहानी क्या है। इतने दिनों में इस पूरी शिक्षा पद्धति का लब्बो लुआब ये रहा कि हम बहुत अच्छे नौकरशाह पैदा करते रहे, क्लर्क से लेके आईएएस तक, यस सर जी हजूरी करने वाले लोग पैदा करते रहे, क्योंकि उस वक्त के जो सिस्टम थे उनको इसी की जरूरत थी। ये आमूल चूल शिक्षा की आत्मा को परिवर्तित किया गया है और इस शिक्षा पद्धति में जो चेंजेस लाए गए हैं ना कुछ रिजेम्बलेंस या वो ऐसे मिलते हैं जैसे उस वक्त होते थे। अब देखिए उस वक्त शिक्षा पद्धति क्या होती थी, संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पे जोर होता था, सदाचार पे जोर होता था, यानी नैतिक शिक्षा पे। अच्छा दूसरी चीज ये होती थी कि बालकों को शिक्षा ऐसा दिया जाता था, उनको किसी पैटर्न में फोर्स नहीं किया जाता था, जो उसकी एक स्पेशलिटी होती थी उसी चीज में उसको आगे बढ़ाया जाता था। ऐसा नहीं कि 5 सब्जेक्ट आपको और साथ में पढ़ना है। एग्जाम्पल देखिए, अर्जुन को केवल धनुर्धर पढ़ाया गया और कोई उनको नहीं सिखाया गया, भीम को केवल गदा सिखाया गया। ठीक ऐसा कुछ न कुछ आप ये देखिए अमेरिका वगैरह में होता है, जो जिस चीज में बहुत इंटरेस्टेड है उसको केवल उसी एक चीज में आगे बढ़ाया जाता है। तो ये एक मेरा बेसिक जो है इवेल्युएशन है। मतलब है अभी, अभी अभी जो यहाँ पर चीजें चल रही हैं, अभी जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम चल रहा था वहां पर क्या था कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन ऐसा बनते जा रहे थे। लेकिन अब जो ये नई शिक्षा पद्धति आई है इसके बाद में शायद अगर इसको ढंग से इसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उसके बाद में हम कह सकते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर एंड वन। जैसे कि आपने कहा सही बोल रहे हैं, 120 करोड़ की जनता में अगर ठीक से शिक्षा पद्धति लागू की जाए तो मुझे लगता है कि 10-20 नोबेल प्राइज तो जरूर हमको मिलेंगे। और जितनी खोजे, जितनी उर्वर धरती भारत की है ना टैलेंट के मामले में, जीरो का आविष्कार हमने किया, 5-6 हमने ऐसी चीजें बताई, मानव सभ्यता और इतिहास को हमने ऐसी चीजें दी हैं। आज जो आप लेटेस्ट साइंटिफिक ग्रोथ देखते हैं ना, उन सब के पीछे बेसिक खोज, वो आप ये देखिए इंग्लैंड वगैरह में नहीं है, लोग बोलते हैं लेकिन बेसिक प्रिंसिपल बेस्ड जो खोजें हुई हैं वो भारत में हुई है और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन मिश्रा जी मेरा एक सवाल है कि कुछ लोग इसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये भाजपा की, आरएसएस की, हिंदू राष्ट्र की और हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने वाली एजुकेशन पॉलिसी है, तो ये सिर्फ एक समुदाय, एक धर्म और एक तरीके के लोगों की और कहा जाए तो राइट विंगर्स के लिए, ये राइट विंगर्स की एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें लेफ्ट को इग्नोर किया जा रहा है, जिसमें जो हिस्ट्री जो अब तक पढ़ रहे थे उसको, उनका मानना है कि वो डिस्टॉर्टेड नहीं है लेकिन अब आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्टेड कर रहे हैं, तब आप उसके साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो आपकी इसमें क्या राय है? और एक और चीज जो आप कह रहे थे, एक चीज आप कह रहे थे कि भारतीय संस्कृति के बारे में, देखिए मेरा भी ये मानना है कि अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को, उसके बारे में हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। जबकि हो क्या रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोग भी अपनी आम जो बोलचाल की भाषा है उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी के जितने भी जो शब्द हैं, शब्दकोश हमारा अंग्रेजी का उसमें मिला जुला रहता है। तो अभी इसमें एक दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी ये भी है जो मैं साथ में जोड़ना चाहता हूँ, तो आप मेरे को इसका एक विस्तार पूर्वक जवाब दे दीजिएगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं जिसमें एक आपकी मदर टंग हो जाएगी, एक आपकी रीजनल लैंग्वेज या आपकी लोकल लैंग्वेज हो जाएगी और दूसरी लैंग्वेज आप शायद हिंदी के बारे में बात करें, क्योंकि अंग्रेजी को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है जबकि अंग्रेजी का बड़ा महत्व बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो जर्मनी में जर्मन पढ़ाई जाती है, चाइना में चाइनीज पढ़ाई जाती है, रशिया में रशियन पढ़ाई जाती है और वो बहुत ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर चीजें वैसी नहीं हो रही है, तो आप मुझे इसके बारे में खुलकर बताइए। देखिए सनोज, यहाँ पे कोई लेफ्ट राइट विंग इन सब चीजों की कोई बात नहीं है और कोई ऐसी भी चीज नहीं है सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर अप, सेंटर डाउन, कोई एजेंडा की बात नहीं है। सिस्टम वो हो जो हमारे देश के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से बेस्ट सुटेबल हो। अगर ये चीज ये बोला जाए कि ये भाई भाजपाइयों का या संघियों का एजेंडा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के पहले तक जो शिक्षा चल रही थी वो लेफ्ट विंग वालों का या राइट विंग वालों का या सेंटर लेफ्ट उनका एजेंडा था तो विरोध करने का। आप ये सेंटर लेफ्ट राइट ये इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से सबसे बेहतरीन शिक्षा क्या होगी। देखिए साइंटिस्ट भी ये बोलते हैं कि मदर टंग में चीजों को सीखना बहुत आसान होता है और मैं खुद इस चीज को मैंने महसूस किया है। अच्छा दूसरी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो आपने बोला कि मल्टीलिंगुअल,
अब मैं आपको ये बोलूंगा कि भारत में मेरे ख्याल से 250 या 300 तो लैंग्वेजेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है। 28-29 स्टेट हैं, हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा चेंज करके हर स्टेट में 3-4 लैंग्वेज हो जाती है। तो विविधताओं के साथ हम जीते हैं। अब इसका भी उदाहरण कि तीन भाषाएं कहीं इसमें घालमेल ना हो जाए और ये प्रॉब्लम ना बन जाए और अंग्रेजी को कैसे रिप्लेस किया जाएगा, इसका भी उदाहरण पुरातन संस्कृति और सभ्यता से या पुरातन जो है शिक्षा व्यवस्था से मिलेगा। देखिए उस वक्त भी जो शिक्षा व्यवस्था थी, जब ऋषि मुनि हुआ करते थे, जाति पाति पे मत जाइए आप, ऋषि मुनि किसी भी जाति के और उसके हो सकते थे, वो ज्ञानी होते थे। तो साउथ में भी बहुत महान ऋषि साइंटिस्ट हुए हैं, नॉर्थ में भी हुए हैं, आसाम बंगाल हर जगह होते थे, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होते थे, सबकी लोकल लैंग्वेज अलग होती थी। अब उस वक्त क्या था, प्रॉब्लम वहां पे भी आती थी कि तमिलनाडु में लैंग्वेज कुछ और है, नॉर्थ इंडिया में लैंग्वेज कुछ और है। तो वहां पे होता क्या था कि जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे पूरे इंडिया में, उनकी एक कॉमन लैंग्वेज थी, वो थी संस्कृत, जैसे आज की डेट में अंग्रेजी है। अब साउथ का अगर कोई आदमी है, वहां की कॉमन पब्लिक तो साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलती थी, तमिल और ये सब लोकल लैंग्वेज बोलती थी, लेकिन हर एरिया में कुछ विद्वान लोग होते थे जो भ्रमण करते रहते थे। वो जब दूसरे क्षेत्र के विद्वानों से मिलते थे तो संस्कृत में वो वार्तालाप करते थे और जाके अपने यहाँ लोकल उसमें ट्रांसलेट करके लोकल लोगों को बताते थे, लेकिन प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट सेम रहता था। अब अंग्रेजी की बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए अंग्रेजी को इतने जल्दी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। जो मैंने बोला कि जो रोल संस्कृत का उस वक्त था, वही रोल संस्कृत का अभी भी हो सकता है और आगे आने वाले दिनों में 100% श्योर है ये होगा, क्योंकि ग्रामेटिकली और साइंटिफिकली देखा जाए तो बहुत सुंदर लैंग्वेज है। मतलब एक पॉइंट पूरा साइंस बेस्ड लैंग्वेज अगर देखा जाए तो वो संस्कृत है। अंग्रेजी का अभी बोलबाला है, बोलबाला पूरी दुनिया में नहीं है, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, लेकिन चेंज धीरे धीरे होता है, स्विफ्ट तरीके से, आसान तरीके से चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी एकदम से अंग्रेजी हटा दे। अगर हम अंग्रेजी हटा देंगे, देखिए ऑप्शन धीरे धीरे आते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंटरनेट पे अब हिंदी टाइपिंग के भी और सारे लोकल लैंग्वेज के भी ऑप्शन आ रहे हैं। तो अंग्रेजी को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जरूर रखा जाए, जिसको जो महारत हासिल करनी है, एटलीस्ट इतना अंग्रेजी का ज्ञान अभी होना जरूरी है कि आप बोल सके, लिख सके, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो ये अभी अभी जरूरी है फिलहाल के लिए। आप ये देखिए बहुत सारे हिंदी मीडियम के लड़के, इंक्लूडिंग मी, हमारे यहाँ अंग्रेजी एज ए सब्जेक्ट चलती थी, लेकिन मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट था तो मैंने उसमें बहुत मास्टरी बहुत पहले ही कर ली थी। तो अंग्रेजी को एकदम से रिप्लेस ना करके धीरे धीरे करके शिफ्ट किया जाए, फोकस जो है अपने मदर टंग पे किया जाए और हिंदी पे किया जाए। अच्छा एके मिश्रा जी, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो बात कही जा रही है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जैसे अमेरिका में क्या होता है कि आप अगर कोई भी चीज, किसी भी चीज में आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप उस चीज में कर लीजिए। जैसे आपने बताया कि पुराने समय में हमारे यहाँ भी ऐसा था कि आप अगर अर्जुन की बात करें तो वो धनुर्विद्या में माहिर थे, और किसी और की बात करें तो कोई शल्य चिकित्सा में था, कोई किसी में था। इसी तरीके से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी अभी क्या है, हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है अगर हम उसको वर्ल्ड लेवल पे देखें, सो वी आर वेरी एट अ वेरी स्लो पेस, हम उसमें बहुत ज्यादा पीछे हैं, ठीक है। तो अभी जब ये जो पॉलिसी आई है तो आपको लग रहा है कि उसको कुछ बूस्ट मिल पाएगा? जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर देखा जाता है कि फेवरिज्म ज्यादा होता है, जो फेवरेटिज्म है, फेवरिज्म है, ठीक है, नेपोटिज्म है, वो ज्यादा हावी हो जाता है। अगर हम बात करें, चाहे एग्जीक्यूटिव की बात करें या लेजिस्लेचर की बात करें, तो लोग अपने अपनों को ज्यादा उसमें महत्व देते हैं। तो जब रिसर्च और जो आप फाउंडेशन बना रहे हैं रिसर्च के लिए, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो वास्तव में एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर बन सकता है, जो देश को नए आयाम दे सकता है, जैसे आपने कहा कि नोबेल पुरस्कार मिलेंगे, बड़े बड़े पुरस्कार मिलेंगे, जैसे हमारे यहाँ पहले आर्यभट्ट हुए, चाणक्य हुए, एक से एक महान लोग हुए जिन्होंने बहुत गजब काम किया है। लेकिन अब ये देखना है कि क्या अब हम उतना रिसर्च डेवलपमेंट कर पाएंगे। और इससे संबंधित दूसरा छोटा सवाल ये है कि हमारा जो एजुकेशन बजट है, दैट इज अराउंड 3%, 3% से लेकर बात की जा रही है कि आप 6% करेंगे, तो आप लाएंगे कहां से, कितना फिजिबल है और इससे क्या देखने को मिलेगा? देखिए सनोज, आपका प्रश्न जो है बड़ा उम्दा और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने एक प्रयास किया है, गवर्नमेंट को मैं बधाई दूंगा, लेकिन देखिए अभी भी जो सिस्टम इन्होंने लागू किया है, स्पेशली हायर लेवल का अगर रिसर्च यहाँ पे कंडक्ट करवाए, तो होता क्या है कि हमारे यहाँ अभी भी सिस्टम ये है और इसमें भी ये प्रोविजन है
कि एक पाइपलाइन के थ्रू गुजर करके ही आप जो है हायर रिसर्च में जा सकते हैं। प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। मैं बोलता हूं कि इनको अपनी शिक्षा नीति को थोड़ा और उदार और ओपन करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, हो सकता है कोई टैलेंटेड तो बहुत है लेकिन गरीबी के कारण वो प्राइमरी स्कूलिंग और हाई स्कूल नहीं पा पाया, हाई स्कूल के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में उसका टैलेंट सामने आया। जैसे आप देखते रहते हैं कि किसी ने कोई नई मशीन बना दी, सोशल मीडिया पे हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है, उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है। इनफैक्ट एजुकेशन और डिग्री जो सिस्टम है ना, कि आपके पास सर्टिफिकेट हाई स्कूल इंटरमीडिएट और डिग्री की है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा बैरियर हम लोगों के टैलेंट के लिए बन गया है। सरोज, मैं आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ जो ये डिग्री सिस्टम है कि हाई स्कूल इंटर और ये बीए ग्रेजुएशन वगैरह पोस्ट ग्रेजुएशन, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा बाधक होता है। बाधक ये होता है, टैलेंट जो है, जो टैलेंट पूल होता है वो कहीं पे भी हो सकता है। आपको टैलेंट जरूरी नहीं है केवल डिग्री धारकों में मिले। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो एक पूल या एक सिस्टम के थ्रू होकर के जब आप पास आउट होंगे, जो है पाइपलाइन से पास आउट होंगे सब करते हुए हाई स्कूल इंटर वगैरह, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं समझता हूँ कि एक पैरेलल ओपन सिस्टम होना चाहिए। कुछ लोगों को गरीबी के कारण, टैलेंटेड बहुत होते हैं लेकिन वो डिग्री नहीं ले पाते हैं, स्कूल का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो बाद में खबर ये आती है कि उन्होंने कोई नई चीज बना दी, कोई नया इक्विपमेंट बना दिया, तो ऐसे टैलेंट को भी एक्सेप्ट करके और इक्विवेलेंट रिकॉग्निशन उनको दे करके सिस्टम में सेम फैसिलिटी देना चाहिए। अगर देखिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल मतलब ये हो गया जो लोग स्कूल हाई स्कूल इंटर से गुजर करके जा रहे हैं, और इनफॉर्मल जो किसी भी रीजन से स्कूल या फॉर्मल एजुकेशन में नहीं जा पाए लेकिन उनके पास वो टैलेंट है, वो टैलेंट उनके पास नेचुरली होता है, समाज के तरफ से होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि एक चीज और इनको उदार करना चाहिए, उदार ये करना चाहिए, शिक्षा को कभी भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है। नौकरी लेने के लिए उम्र की सीमा होनी चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन आदमी, इनको सिस्टम ऐसा करना चाहिए कि आदमी किसी भी एज में किसी भी क्लास में एडमिशन लेकर के वो अपना एग्जाम देता रहे, और एग्जाम देने के बाद वो उसको जो है अगर वो क्वालिफाई करता है तो इक्विवेलेंट, उसके लिए मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री की व्यवस्था की बात की गई है कि जो लोग पहले बीच में शिक्षा को बीच में छोड़ देते थे, पूरा नहीं कर पाते थे, उनके लिए कहा गया है कि अब उन लोगों को सबैटिकल अगर उनको लेना है, दे कैन टेक 6 months, वन ईयर लिए है, एक फॉर ए, नहीं नहीं नहीं, फॉर ए पर्टिकुलर टाइम उन्होंने ब्रेक के लिए बोला हुआ है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई हाई स्कूल और इंटर नहीं किया, देखिए बात को ध्यान से सुनिए, 1 साल या 2 साल या 3 साल का ब्रेक लेने के बाद आप वापस आ सकते हो। मैं बोलता हूँ 3 साल ही क्यों, आप डिजी लॉकर में उसकी सारी एक्टिविटी को रखे रहिए, हो सकता है वो किसी इंपॉर्टेंट मिशन बिजनेस में लगा हो, जब उसको 10 साल के बाद फुर्सत मिले वो उसको जो है, मतलब अपॉर्चुनिटी हमेशा ओपन। देखिए पिछली गवर्नमेंट भी यही कर रही थी, प्रौढ़ शिक्षा अभियान जो था वो क्या था, वो यही था ना, 70 साल 80 साल के लोगों को आप पढ़ा रहे हो, यानी आपने एक पैरेलल सिस्टम बनाया, तो इसी सिस्टम में आप सबके लिए सबको ओपन करिए और सबको बराबर दर्जा दीजिए। जिन्होंने रेगुलर जाके ली है, किसी इंस्टीट्यूट में लिया है, ऑनलाइन लिया है, डिस्टेंस एजुकेशन लिया है, सबकी अहमियत को बराबर करिए, शिक्षा से भेदभाव खत्म होना चाहिए। एक और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बजट के बारे में और थोड़ा बताइए कि शिक्षा के बजट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जहां पर आप अभी 3 है और आप 6 करने की बात कर रहे हैं, तो जो डबल करेंगे तो उसके लिए फंड्स कहां से आएंगे, कुछ चीजें आप कैसे कर पाएंगे और धरातल पे उसको कैसे देखा जाएगा? देखिए सनोज, एक चीज मैं आपको बताऊं, 120 करोड़ शिक्षा तो सबको मिलनी चाहिए ना, 120 करोड़ में हर एक आदमी को मिलना चाहिए। अब सवाल ये है कि 3 से 6% करना एक सराहनीय कदम है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अब फिर आप जाइए, आप अपने 11वीं शताब्दी के पहले, तब आप देखिए तब की शिक्षा व्यवस्था क्या थी। उस वक्त मैकाले ने ये लिखा है और एक्सेप्ट किया है कि भारत का कोई गांव ऐसा नहीं था जो अशिक्षित नहीं था, कोई आदमी ऐसा नहीं था जो रीड राइट, मतलब एक होता है ना कि रीड राइट एंड स्पीक, तीनों चीजों में फ्लुएंट नहीं था, सबके पास इतनी शिक्षा होती, हर आदमी शिक्षित था। आज की डेट में देखिए, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। अच्छा, अब 120 करोड़ की जनता को इतना, भाई सरकार के पास पैसा भी इतना नहीं होता है ना, उनके भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अब है क्या, इसीलिए शिक्षा को आपको दोनों तरफ से ओपन करके करना पड़ेगा। जो मैंने अभी तक आपको बताया कि भाई पहले शिक्षा घरों में होती थी और वो टैलेंट, इक्विवेलेंट टैलेंट वहां पे डेवलप किया जाता था,
तो मैं ये बोल रहा हूं कि टैलेंट रिकग्निशन का भी एक प्रोविजन हो, मतलब अगर किसी ने घर में शिक्षा ली, भाई मान लीजिए मुझे हाई स्कूल पढ़ना है और हाई स्कूल के इक्विवेलेंट मुझे नॉलेज लेना है, तो ये कंपल्सन नहीं होना चाहिए कि मैं स्कूल में ही नाम लिखाऊं। हो सकता है मैं वो किताबें खरीद के अपने घर पे ही पढ़ लूं और मेरा टैलेंट वहां पे पहुंच जाए। तो ऐसे लोग जो घर पे शिक्षित होते हैं किसी भी रीजन से, उनका केवल एक सिंपल एग्जाम लेके उनको इक्विवेलेंट डिग्री प्रोवाइड की जाए, पहली चीज ये, और उसकी वैल्यूएशन वैल्यू भी सेम हो। दूसरी चीज एक और मैं बताऊंगा, जो हमारे यहाँ देखिए अंग्रेजों ने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई है ना, हर कदम पे इन्होंने रोड़े डाले हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, रोड़े ऐसे डाले हैं कि कोई उनको क्रॉस करके सुपर टैलेंट यहाँ से निकलने ही ना पाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कोई भी बच्चा या कोई भी जो है आदमी किसी पर्टिकुलर एक फील्ड में बहुत अच्छा है और बहुत तेज है, दूसरों से वो बहुत अच्छा है। अब पहले का जो सिस्टम था 10+2 जो है +3+2 का, या अभी 5+3+3+2 वाला जो सिस्टम आया है, यानी इतने साल गुजारने के बाद ही उसको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। यानी ये कंपल्सन है हर आदमी के साथ कि 10+2 यानी 10 2 12 हो गए, +3 यानी कि 12 और 3 15 हो गए, +2 17 साल आपको गुजारना है तभी जाकर के आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का मिलेगा। लेकिन जो सुपर टैलेंटेड होते हैं उनको कैसे पहचाना जाए, जो सुपर टैलेंटेड होते हैं वो 3 साल में ही ये सारी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं। तो एक पैरेलल व्यवस्था ये भी ओपन किया जाए और ऐसे ही सुपर टैलेंटेड जो आदमी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वही देश का नाम आगे चल के रोशन करते हैं, उनके लिए अलग से सिस्टम हो कि वो जब चाहे तब एग्जाम दे, 17 साल की एजुकेशन को वो 1 साल में खत्म कर ले, 1 महीने में खत्म कर ले, बशर्ते वो क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो उनका टाइम बचेगा, वो फिर फर्दर स्टेज पे वो प्रमोट हो जाएंगे रिसर्च के लिए। जी अखिलेश जी, मेरा एक आखिरी आपसे सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमने देखा कि कुछ लोगों का कहना है, जबकि जो कुछ लोगों का कहना है जो विपक्षी दल से संबंध रखते हैं, वो कह रहे हैं कि आपने पार्लियामेंट को बाईपास कर दिया, आपने इस मैटर को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया। भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, वहां पर आप सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो आप सारी चीजें अपने हिसाब से करना चाहते हैं और उसको ये कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि आप चीजों को थोप रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि जहां पर भारत एक जो संघीय ढांचा है वहां पर सेंट्रल एजुकेशन की बात की जा रही है और पार्लियामेंट में चीज को डिस्कस नहीं किया गया और उसका जो ड्राफ्ट है उसको लेकर आ गए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं देखिए मैं आपको बताऊं, एक लेवल पे जा करके बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, मैं विपक्षी दलों की भी मैं बात करूंगा, पार्लियामेंट में डिस्कस कोई भी जब चेंज, और अगर अपने देश के संस्कृति के हिसाब से चेंज है तो पार्लियामेंट में हमेशा टांग अड़ाया जाता है, जो अच्छी चीजें हैं वो कैसे भी करके इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हाँ, रेदर देन की अब ये देखिए मैंने बताया ना, अंग्रेजों के व्यवस्था के हिसाब से जो व्यवस्था बनी है उसको इम्प्लीमेंट करने में इतने रोड़े हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकते हैं। चाहे अब आप ये देखिए, आपको हॉस्पिटल में जाना है, आप मर रहे हैं, जब तक आप फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करोगे आपको कोई हाथ नहीं लगाता है, फॉर्मेलिटी पूरी करते करते ही पेशेंट मर जाता है। ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बना हुआ है अंग्रेजों का ना, वहां पे भी बहुत जबरदस्त चेंज की जरूरत है और अच्छी चीजें जब इम्प्लीमेंट हो, जैसे भी इम्प्लीमेंट हो, चाहे फोर्सफुली हो चाहे अनुनय विनय से करके हो, वो कर देना चाहिए। तो मैं तो केवल बेनिफिट देखता हूँ कि अगर किसी चीज का बेनिफिट है तो एक सिंपल नोट जो है लगा करके या नोट को पास करके भी उसको पास कर देना चाहिए। जी एके मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बखूबी सारी चीजों के बारे में बताया। आपने बताया कि जो नई शिक्षा प्रणाली है उसमें आप किन चीजों का वेलकम करते हैं, किन चीजों को बदलने की जरूरत है, और एक चीज मैं भी आपको कहना चाहूंगा कि जैसे आपने अपनी राय रखी सब चीज के बारे में, हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है, तो जैसे आपने कहा मैं भी कहीं ना कहीं आपसे सहमत हूं कि हमें एक लिबरल एक मोड में आ जाना चाहिए, जहां पर एजुकेशन को और ज्यादा हमें कैजुअल बनाना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति तक, हर स्टूडेंट तक उसको सही पहुंच सके, वो घर पे पढ़ना चाहे तो घर पे पढ़ सके, स्कूल जा सके, और उसके लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि वो जब चाहे जैसा चाहे अपने डिजी लॉकर जिसके बारे में आपने जिक्र किया उसका इस्तेमाल करके अपनी शिक्षा को कभी भी कंटिन्यू कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही हमारे कार्यक्रम में आते रहिए और हमारे जितने भी जो दर्शक हैं उनको आप उनके सवालों का जवाब देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देखिए मिश्रा जी।
थैंक यू सनोज, आपका भी और आपके लाखों करोड़ों दर्शकों का भी, थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनबीटीवी, मैं आपके लिए फिर लेकर आऊंगा एक बार एनबीटीवी पर्दे के पीछे, और हम आपसे फिर डिस्कस करेंगे कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आप देखते रहिए एनबीटीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, अगर आपको इसमें कोई खामी लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जब अगली बार हम आपके लिए कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएंगे तो आप उसको मिस ना करें। Thank you.